शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर रेड। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश जब्त किया, 20 मोबाइल भी जब्त किए गए। एनआईए ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। जालंधर के एक पुजारी की हत्या मामले में है वॉन्टेड। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की होगी सीबीआई जांच, उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। जांच के घेरे में आ सकते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले सिसोदिया को फंसाने की साजिश, जेल जाने से हमें नहीं डर। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना बांटे, शराब को बढ़ावा देना ईमानदारी नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, नई शराब नीति में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से भी की थी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, चुनाव में विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। मार्गरेट अलवाक ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने के टीएमसी के फैसले को बताया निराशाजनक, कहा अहंकार का समय नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, ओडिशा कांग्रेस ने अपने विधायक मोहम्मद मुकीम से मांगा जवाब। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, अजय देवगन को तानाजी के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया। फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बालमुरली को मिला। साइना फिल्म में बेस्ट लिरिक्स के लिए मनोज मुंतशिर चुने गए। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू का पुरस्कार जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड और थ्री सिस्टर्स को संयुक्त रूप से दिया गया। के आर सचिदानंद को मरणोपरांत मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, फिल्म अयप्पन कोशियम के लिए हुए अवार्ड। डीएमआरसी की फिल्म सर माउंटिंग चैलेंज बेस्ट प्रमोशन फिल्म से पुरस्कृत, फेज 3 में निर्माण कार्यों की चुनौतियों पर बनी है फिल्म। सीबीएसई के नतीजे घोषित, 10वीं में 94% और 12वीं में 92.71% स्टूडेंट्स पास, लड़कियों ने मारी बाजी। बुलंदशहर की तान्या को 12वीं में मिले 100% नंबर, कहा टारगेट फिक्स कर पढ़ाई करती थी। सीबीएसई की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को पीएम का मैसेज, कहा अंदर की आवाज सुने, जिसका पैशन वही विषय पढ़े। 5वें राउंड की काउंसलिंग के बाद भी नीट पीजी 2021 में 1456 सीटें हैं खाली, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। अमित शाह ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील की, 13 से 15 अगस्त तक चलेगा प्रोग्राम। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का फिलहाल कोई विचार नहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, विज्ञापन पर 911 करोड़ खर्च, बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1500 करोड़ नहीं। अग्निपथ के खिलाफ हुए आंदोलन में 259 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ, रेल मंत्री ने दी जानकारी। अकासा ने शुरू की टिकट बुकिंग, पहली फ्लाइट 7 अगस्त को मुंबई से अहमदाबाद जाएगी। एमपी के जबलपुर से कोलकाता के बीच स्पाइसजेट की सीधी उड़ान शुरू, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान, हथियार के लाइसेंस के लिए किया अप्लाई, कुछ दिन पहले सलमान खान और उनके पिता को मिली थी जान से मारने की धमकी। हरिद्वार में कावड़ियों पर बरसाए गए फूल, हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर हुई फूलों की वर्षा। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहे 5 कावड़िए, उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। केरल में अब सभी स्कूल होंगे कोएड, बाल अधिकार आयोग का बयान। हरिद्वार में बीच बाजार में नमाज पढ़ने पर 8 गिरफ्तार, धारा 151 के तहत हुई गिरफ्तारी। फरीदाबाद में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। नागपुर में बेकाबू बुलेरो ने खड़ी कार में मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे 2 लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त, करेंसी को कस्टम विभाग को सौंपा गया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सीआईडी को 15 जिंदा बम मिले, सभी को डिफ्यूज किया गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ का एक्शन, 5 बैग से मिले 321 गोल्ड बिस्किट जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त। हरियाणा के मेवात में एक ट्रक और ऑटो की टक्कर, 7 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रयागराज में बॉयज हाई स्कूल के गेट पर बमबाजी, सभी छात्र सुरक्षित, बमबाजी के वक्त चल रही थी क्लास। 4 करोड़ लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली, 18 जुलाई तक का आंकड़ा। देश में कोरोना के 21,880 नए केस मिले, 60 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,515 नए केस मिले, 24 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,033 नए केस मिले, 1 संक्रमित की मौत। दिल्ली में कोरोना के 712 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत, 593 लोग ठीक भी हुए। केरल में मॉन्की पॉक्स का 3रा मामला आया सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि।
आरबीआई गवर्नर का बयान, यूरोप में युद्ध और कोरोना ने दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ाया। इनकम टैक्स रिटर्न करने की समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार का ऐलान। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग का हिस्सा बनेंगी भवानी देवी, खेल का आयोजन 25 जुलाई से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो वनडे से रविंद्र जडेजा बाहर, घुटने की चोट से परेशान रविंद्र जडेजा।